हेलो एवरीवन, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको लगता है कि अगर कोई उन्हें जानवर घायल दिख रहा है रोड पे, तो उन्होंने अगर एनजीओ को इन्फॉर्म कर दिया उसके बाद उन्हें लगता है कि उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, तो वो बहुत गलत है। ऐसा नहीं है, आपकी ड्यूटी तब तक है जब तक वो जानवर का ट्रीटमेंट ना हो जाए प्रॉपरली और वो ठीक ना हो जाए, तब तक आपको उसकी केयर करनी है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ एज अ वॉलंटियर, एंड मैं आए दिन केसेस देखती हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग फ़ोन कर देते हैं एंड बोलते हैं कि फलाना फलाना जगह पे ये कुत्ता या बिल्ली, यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ है, आप प्लीज़ उठा के ले जाओ। सो द थिंग इज़ कि उठा के ले जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जितने भी एनजीओज होते हैं सब ओवरबर्डन होते हैं बिकॉज उनको फंड्स कम होते हैं, उनको प्लेस कम होता है और उनको मतलब लैक ऑफ पीपल भी होता है, उसके बाद भी वो किसी तरह मैनेज करते हैं। तो आप एक और बर्डन डाल रहे हो जबकि आप खुद भी उसकी हेल्प कर सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको वेट के पास नहीं ले जा सकते थे या नहीं दिखा सकते थे, बट आप नहीं दिखाना चाहते हो बिकॉज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके हिसाब से वो सिर्फ एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एक एक दिन में इतने इतने रेस्क्यूज़ होते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है, सब कुछ होता है, और जो शेल्टर होता है वहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन करनी पड़ती है एंड एवरीथिंग। उसके बाद अगर कोई आने में देरी हो जाती है तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे मतलब दे आर पेइंग टू अस कि नहीं आओ और बस हमारा ही काम करो और उससे बाकी हमें किसी और से मतलब नहीं है। तो माइंड यू गाइज, ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक एनजीओ को इन्फॉर्म कर रहे हो, गिव देम सम टाइम। ज़रूरी नहीं है कि वो उस दिन में आपकी हेल्प कर पाए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लाइंड अप होते हैं बहुत सारे रेस्क्यूज़, तो पहले वो उनको ध्यान देंगे और उसके बाद फिर आपके केस पे ध्यान देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, अगर बहुत क्रिटिकल केस है, टेक आउट सम टाइम, एंड अगर इतना ही आपके अंदर एम्पैथी भरी हुई है तो प्लीज़ टेक दैट एनिमल टू अ वेट। और ऐसा नहीं है, हर शहर में बहुत सारे वेट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट वेट्स भी अवेलेबल हैं जो कि सस्ते में भी करते हैं। इवन बहुत सारे एनजीओज ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास अभी लोगों की कमी है, आप जाके दिखा दो, जो भी उसका कॉस्ट आएगा हम बेयर कर लेंगे। सो प्लीज़, हम भी इंसान हैं, एनजीओ वाले भी इंसान हैं, तो थोड़ा सा तो ह्यूमैनिटी एटलीस्ट आप भी दिखा सकते हो। सो आई जस्ट वॉन्ट कि अगर ऐसा कोई एनिमल आपको दिख रहा है जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, तो प्लीज़ आप खुद जाके उसको वेट को दिखा दो एंड आप किसी ना किसी एनजीओ की साइड बाय साइड मदद लेते रहो। बट एक्चुअली में अगर आपका सही में बहुत ज़्यादा हाथ बंधा हुआ है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी दिक्कतें हैं आपके साथ, तब आप प्लीज़ एनजीओ वाले से आप एक अच्छे टोन में आप उनसे मतलब आप उनसे बोल सकते हो कि प्लीज़ मतलब आप हमारी मदद कर दीजिए, आप उनसे मदद मांग सकते हो। बट रूड होके आप ये नहीं बोल सकते कि बता तो दिया, आके उठा क्यों नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं है। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। वो इंसान जो एनजीओ में काम कर रहा है, वो सुबह से लेके शाम तक वो सिर्फ जानवर की मदद कर रहा है, उन आधे जानवरों को मरते हुए देख रहा है, उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, उनकी पीड़ा देख रहा है। उसके बाद अगर आप भी वो चीज़ नहीं समझोगे और उनके सामने आप अपना रोब जमाओगे और आप एकदम रूडली बिहेव करोगे, तो आप ये सोचो ना कि वो तो टूट जाएंगे, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वो आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो उनको सिंपैथी दिखाओ। सो बस माई पॉइंट इज़ कि अगर आगे से आप में से किसी को भी कोई भी जानवर किसी भी नीड में लगता है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट एनजीओ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको लगता है कि एनजीओ वालों के पास टाइम नहीं है, वो तुरंत अटेंड नहीं कर सकते हैं, सो प्लीज़ टेक दैट एनिमल टू अ वेट। नहीं है तो प्लीज़ आप किसी वेट से बात कर लो, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे वेट्स आपको अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप वो भी कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू टेक दैट एनिमल। तो पहले आप ये चीज़ करो एंड उसके बाद अगर एनजीओ वाले उसको लेके भी जा रहे हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है
आए दिन आप उसको फोन करके एनजीओ वालों को आप पूछो कि इस डॉग का, उस कैट का, उस काऊ का क्या हाल है, ठीक है कि नहीं ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है, उसको सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज जाके आप उसको विजिट भी करो। तो ये आपकी ड्यूटी है, ना कि आप सिर्फ फोन करके रूडली बोल के उसके बाद आपने फोन कट कर दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप कि आपको ये मैसेज मिले।